ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है, लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहाँ भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी, 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों, किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से
मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है।